हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वोल्टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज रिलायंस जियो में पहली बार आप सभी के लिए नई वैकेंसीज आउट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज ही पहली बार रिलायंस जियो की तरफ से कुछ नई वैकेंसीज को आउट किया गया है, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी के लिए यहां पर जॉब निकाली गई है। तो ज्यादातर जो वैकेंसीज है वो फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब के लिए। और फ्रेंड्स, यहां पर काफी अलग अलग मल्टीपल कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज हैं, जिसके लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वर्क फ्रॉम होम जॉब भी यहां पर कर सकते हैं, वो भी यहां पर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए निकाली गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, तो आप इस जॉब को घर बैठे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो अप्लाई करना होगा सबसे पहले आपको, तो अप्लाई कैसे करना है वो कंप्लीट प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, रिलायंस जियो की इन वैकेंसी के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर वो अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद में वहां से उनका कॉल नहीं आता है एचआर डिपार्टमेंट से, फिर वो निराश हो जाते हैं कि हमने अप्लाई किया, वहां से हमें कॉल नहीं आया इंटरव्यू के लिए, या फिर हमें जॉब नहीं मिल पाई है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको ये जॉब मिलने वाली है। तो सिंपल सारा खेल है अप्लाई करने का। अगर आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया तो ये मान के चलिए आपको ये जॉब मिल सकती है 99%, ठीक है। 1% इसलिए क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी। वो गलती क्या नहीं करनी है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो फाइनली रिलायंस जियो की पूरी अपडेट हम आपको देंगे। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार आप सभी के लिए नई जॉब्स की अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई करें और इस जॉब को पा सके। और रोजाना इसी प्रकार नई जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि रोजाना आपको जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि रिलायंस जियो की नई वैकेंसी है। मल्टीपल वैकेंसीज हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज को आउट कर दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, या फिर अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास हैं, तो आप सभी के लिए भर भर के भर्तियां यहां पर निकाली गई है। जी हां दोस्तों, 10वीं पास कैंडिडेट्स भी 100% अप्लाई कर सकते हैं रिलायंस जियो की इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों अप्लाई कीजिएगा, आवेदन आपको मोबाइल से भी करना होगा, तो आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रिलायंस जियो में जो वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं अलग अलग प्रोफाइल में। तो यहां पर कस्टमर सर्विसेज की वैकेंसीज हैं, IT डिपार्टमेंट से है, HR डिपार्टमेंट से है, यहां पर जो है फ्रीलेंसर की जॉब भी आपको देखने को मिल जाएगी, जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनीज की वैकेंसीज है, फ्रीलेंसर की है, सेल्स एसोसिएट की है, और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यहां पर वैकेंसीज है, कस्टमर सर्विसेज के लिए भी है, बिजनेस ऑपरेशन में भी है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर भी यहां पर वैकेंसीज है, IT और सिस्टम डिपार्टमेंट से भी यहां पर वैकेंसीज को निकाला गया है, HR और ट्रेनीज के लिए भी यहां पर वैकेंसीज है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट से भी वैकेंसीज है, अप्रेंटिस की वैकेंसी भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, फाइनेंस कंप्लेंस और अकाउंटिंग की वैकेंसीज भी यहां पर है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वैकेंसीज भी है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां से ये वैकेंसीज को आउट किया गया है, जिसके लिए लगभग सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सबसे अच्छी बात यह है कि रिलायंस जियो की इन वैकेंसी के लिए यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, मतलब कि डायरेक्ट आपको यहां पर सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको सिर्फ अप्लाई करना है, हाथों हाथ यहां पर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ कुछ वैकेंसीज ऐसी है, कुछ प्रोफाइल ऐसी है जिसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपका स्किल टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और कुछ पोस्ट ऐसी जिसके लिए आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कुछ पोस्ट है ऐसी जिसके लिए आपका सिलेक्शन के प्रोसेस में इस प्रकार सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां पर एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहां पर कम से कम 18 साल के आप हो जाने चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो 18 के बाद अगर आप किसी भी एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, बेझिझक यहां पर आपको जॉब मिल सकती है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहां पर अप्लाई करते समय आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी या किसी भी सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या रहेगी। अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपको काम कहाँ पे करना होगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि रिलायंस जियो में जो वैकेंसीज निकाली गई है ये आपके सिटी के अंदर ही वैकेंसीज हैं। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो आपके नियर बाय सिटी में ही आपको यहाँ पर ये जॉब मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं आपको गुजरात जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई करके जा सकते हैं, लेकिन आपको ये जॉब जो है आपके सिटी में भी मिलने वाली है। तो आपके सिटी में भी रिलायंस जियो में जॉब आ चुकी है, अप्लाई कीजिएगा। आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अप्लाई करते समय कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट आपका यहां पर सिलेक्शन रखा गया है, ठीक है। यहां पर एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ फ्रेशर भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, सभी के लिए यहां पर जॉब है। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे कि ITI डिप्लोमा डिग्री, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए भी जॉब है, ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा, सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू समझा देते हैं। तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipsviralbuzz.xyz। दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आपको अप्लाई करने का प्रोसेस समझा देते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर tipsviralbuzz.xyz पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिलायंस जियो की नई वैकेंसी के लिए कैसे आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से या पीसी से रिलायंस जियो की नई वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और यहां पर इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और यहां पर जो प्रोफाइल में वैकेंसीज हैं, मल्टीपल जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, उसके बारे में जानकारी लें और अप्लाई करें। सिलेक्शन का प्रोसेस, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस क्या रहेगी, सारी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो जस्ट आपको यहां पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप आ जाएंगे रिलायंस जियो के करियर पोर्टल पर, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली रिलायंस जियो के करियर पोर्टल पर भी आ सकते हैं, गूगल में सर्च करके भी। तो यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आप यहां पर देख सकते हैं जो कैटेगरीज है वो यहां पर आपको दे रखी है, कौन कौन सी कैटेगरीज में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है। तो मल्टीपल जॉब से लगभग आप मान के चलिए 30,000 यहां पर वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। यहां पर फ्रीलांसर में आप देख सकते हैं 7,800 प्लस वैकेंसीज हैं, वहीं जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी के लिए 7,700 प्लस वैकेंसीज हैं, वहीं फ्रीलांसर के लिए भी आप देख सकते हैं सेल्स एसोसिएट के लिए 7,600 प्लस वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज निकाली गई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास पास है तो फ्रीलांसर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप 10वीं क्लास पास है कम से कम, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद नए पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आप जो है लोकेशन वाइज आपके जो भी नियर बाय लोकेशन है, आप मान लीजिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा कहीं भी रहते हैं, तो वो आप यहां पर टाइप कर लीजिए। आपके सामने जो भी आपकी नियर बाय लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल जाएगी और आप सभी यहां से भी डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप क्वालिफिकेशन देकर चेकआउट कर सकते हैं। 10th पास या 12th पास के लिए वैकेंसीज हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो स्किल्ड है वो बिल्कुल सिंपल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बटन यहां पर आपको जस्ट क्लिक करना होगा। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा न्यू यूजर पर क्लिक करके। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज आ जाएगा ऑनलाइन फॉर्म का। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंडिया, कंट्री सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, आपका कैप्चा कोड डालना है, कंफर्म करना है। सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना है और यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। फिर आप जो है लॉगिन करके वन बाय वन करके वैकेंसीज के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आज ही अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि आपको रिलायंस जियो की इन वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। अगर आप इसी प्रकार अप्लाई करते हैं तो 100% आप मान के चलिए आपको यहां पर कॉल बैक आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। आपको इसी प्रकार अप्लाई करना होगा, वन बाय वन करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसी प्रकार। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कोई भी इश्यू है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।